So hello students, this is Prakash Pol sir. Welcome to Unique Advocate Prakash Pol. Today I am going to continue chapter 2 quadratic equation of maths 1 and practice set 2.2. I have already solved sum number 1 to 6. Now I am going to continue to solve the remaining sums. But question number 6, 7 and 8 I am going to solve it later on because it is somewhat tricky and I will explain in a better way in the last part of the today's session. Now I am going to start up with sum number 9. So what is sum number 9? Sum number 9 is 2m bracket m minus 24 is equal to 15. So now how to solve this? How to start with this 2m multiplied by m minus 2m into 24 is equal to 50. So this I have to multiply with this. 2m multiplied by m is what? 2m square माइनस 2m इंटू 24, 2m इंटू 24, तो ये 2m जो है m के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, 2m जो है 24 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा. सो नाउ 224 जा इज 48m, 224 जा 48 एंड दिस m हियर इज इक्वल टू 50. नाउ दिस 50 आई विल ब्रिंग इट टू द लेफ्ट हैंड साइड. मैंने आपको बताया था कि फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करते समय सारे टर्म्स आपको लेफ्ट में लेने हैं. सो आवर नेक्स्ट स्टेप विल बी 2m स्क्वायर माइनस 48m माइनस 50 इज इक्वल टू 0. नाउ यू कैन डायरेक्टली 2 इंटू 50 इज 100. यू कैन टेक द फैक्टर्स ऑफ 100 बाय द स्प्लिटिंग साइन मेथड के हिसाब से. माइनस जो है माइनस यहाँ पर आएगा, से मिडिल साइन बिग नंबर को माइनस माइनस प्लस, दिस विल बी गोज टू स्मॉल नंबर. ओके, सो ये आपको साइन क्वेश्चन के जो साइन के हिसाब से आपको ये स्प्लिटिंग के साइन जो है आपको लाना है. आपको याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं. मिडिल साइन यहाँ पर आ गया माइनस से, देन माइनस माइनस बिकम्स प्लस. ये बिग नंबर और ये स्मॉल नंबर. ओके, नाउ 100 के फैक्टर्स लेने के बजाय आप देख सकते हैं कि दिस होल ईच टर्म इज डिवाइडेड बाय 2. ओके, सो वी कैन डिवाइड बाय 2. सो आई एम गोइंग टू डिवाइड बाय टू. So this is your original mathematical expression is equal to 0. Now I am going to divide by 2. क्योंकि हर एक टर्म डिवाइड बाय 2 हो जाएगा. डिवाइड बाय टू, इवन 0 डिवाइड बाय 2. सो 2 गेट्स कैंसल. 2 1 ज़ा 225 ज़ा 2 1 ज़ा 224 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2 4 ज़ा 8. Then 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4 1 carry, so 2 5 ज़ा 10 and this becomes 0. So what is the next step? Next step is m square minus 24m minus 24m minus this 25 is equal to 0. So this is your mathematical quadratic equation. Now this equation we have to solve. Directly आप इसको solve नहीं कर सकते थे, आपने इसको multiply करके इसको थोड़ा बहुत सॉल्व करके इसको डिवाइड बाय करके आपको ये एक्सप्रेशन मिल गया है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन. इसको आप सॉल्व करेंगे. नाउ आप 100 के जगह पे अगर आप 25 को अगर आप इसका 25 का फैक्टर लेंगे, वाई? बिकॉज हियर इट इज 25 1 ज़ा, यहाँ पर कुछ भी नहीं, 1 ज़ा 25 1 ज़ा 25. नाउ 25 का फैक्टर लेना बहुत आसानी हो जाएगा. तो इट इज 25 1 ज़ा इज 25. इसके अलावा और क्या आएगा? आई विल 5 5 ज़ा इज 25. तो दिस बिकम 0. तो आप देख रहे हैं यहाँ पर कि प्लस माइनस माइनस करेंगे, 25 माइनस 1 इज व्हाट? 24. पुट साइन द बिगर नंबर, 25 का साइन माइनस. यहाँ पर आप देख रहे हैं प्लस माइनस माइनस करेंगे तो 0 आ गया. तो आप देख रहे हैं कि मिडिल टर्म इज माइनस 24 जो यहाँ पर है. तो इसको मैं क्या करने वाला हूँ, इसको मैं रिमूव करने वाला हूँ और इसकी जगह पर मैं एक पैर डालने वाला हूँ, दैट इज माइनस 25m एन प्लस 1m. बिकॉज आपका ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज इन m वेरिएबल. तो m स्क्वायर एज इट इज माइनस 24m के जगह पे मैं लिखूंगा माइनस 25m प्लस 1m माइनस 25m प्लस 1m एंड दिस माइनस 25 अगेन एज इट इज. सो नाउ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि यहाँ पर क्वेश्चन 1 है तो m बाहर आएगा और अंदर एक m आएगा और यहाँ पर एक नंबर आएगा. ओके, सो नाउ यहाँ पर हम देखेंगे कि m बाहर गया माइनस ये 25 एज इट इज आएगा.
25 अभी आपको प्रैक्टिस हो गई है स्टूडेंट्स, नाउ आपको थोड़ा फास्ट वे में सॉल्व करना पड़ेगा, बार बार सोचने की जरूरत नहीं। मैंने आपको बताया था फर्स्ट टू टर्म में से हमेशा एम आएगा, यहाँ पर नंबर वन है तो एम ही आएगा। अगर यहाँ पर टू होता या फाइव होता तो आप इसको स्प्लिट करते, फाइव फाइव जा, फिर उसमें से नंबर भी कॉमन आता और एम तो ऐसे ही होगा। ओके, नाउ मूविंग फर्दर, लास्ट टू टर्म्स को हम लोग एक साथ लेके सॉल्व करेंगे। आप देख रहे हैं एम इज नॉट देयर इन द लास्ट टर्म, सो अगेन नंबर इज नॉट कॉमन, सो व्हेन नथिंग इज कॉमन वन वी हैव टू टेक आउट वन एंड एम, यही साइन यहाँ पर आएगा माइनस ये 25 एज इट इज इक्वल टू जीरो। नाउ वी सी दैट एम माइनस 25 है, दोनों में सेम है और सेम आना ही चाहिए, तो एम माइनस 25 आपका बाहर आ गया ब्रैकेट, एम माइनस 25 एक ब्रैकेट में आप डालेंगे, देन रिमेनिंग ब्रैकेट में एक सेकेंड ब्रैकेट में क्या बचेगा, एम प्लस वन, एम प्लस वन इक्वल्स टू जीरो। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, एम माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो और एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो, तो एम आई एम कंटिन्यूइंग हियर, ओके एम माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो, एम माइनस 25 इज इक्वल टू जीरो और एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो और एम प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। सो नाउ नेक्स्ट स्टेप हियर इज वन एम, सिंपली ये माइनस 25 को वहाँ ले लेंगे तो क्या होगा, माइनस 25 बिकम प्लस 25 और यहाँ पर भी वन एम है, एम एज इट इज रखेंगे, प्लस वन वहाँ पर लेके जाएंगे तो क्या होगा माइनस वन। तो हियर वी सी दैट 25 एंड माइनस वन आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। सो दिस इज द आंसर स्टूडेंट्स, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। सो प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, लिखने की आपको कोई जरूरत नहीं। I am going to solve question number 10. So what is question number 10? Question number 10 says that 25m square is equal to 9. Now in this, आप देख रहे हैं कि मैंने आपको पहले कहा था जो भी टर्म्स है उसको लेफ्ट में लेके आना है, इक्वल टू जीरो करना है। तो 25m square minus 9 is equal to 0. So now this is special type of sum we can say, because here m square term is there, m term is not there. मैंने आपको बताया था general form of quadratic equation ax square plus bx plus c is equal to 0, or why this is a quadratic equation, why this expression is a quadratic equation, because it has a maximum power 2, it has a maximum power 2, maximum power उसका 2 होना चाहिए, भले ये x term जो है एक स्टर्म हो ना हो चलेगा या फिर ये सी हो ना हो चलेगा, बट एक्स स्क्वायर टर्म होना चाहिए और उसका एक्स स्क्वायर मीन्स उसका पावर टू होना चाहिए, देन ओनली वी कैन कॉल दिस एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि एम टर्म नहीं है, नो प्रॉब्लम, लेकिन एम स्क्वायर टर्म है। ओके, तो नाउ दिस वी आर गोइंग टू सॉल्व इट इन अ डिफरेंट वे, नॉट बाय स्प्लिटिंग मेथड। ये सम जो है हम इसको स्प्लिटिंग मेथड में सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि उससे भी थोड़ा इजी टाइप का टाइप के सम्स है ये, तो हम इसको इजीली सॉल्व कर पाएंगे। फॉर एग्जांपल 25 कैन बी रिटन एज, फॉर एग्जांपल हियर 25 कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर। ओके, तो 25m स्क्वायर कैन बी रिटन एज 5 स्क्वायर m स्क्वायर, और स्क्वायर अगर हमने कॉमन लिया तो 5m द होल स्क्वायर, मींस 25m स्क्वायर के जगह पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 5m द होल स्क्वायर। तो 25m स्क्वायर के जगह पे मैंने क्या लिख दिया, 5m द होल स्क्वायर। होल स्क्वायर इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये स्क्वायर 5 का भी है और m का भी है, 5 का स्क्वायर करने 25 आएगा और m का स्क्वायर m स्क्वायर आएगा। माइनस दिस अगेन 9 कैन बी रिटन एज 3 स्क्वायर इज इक्वल टू 0। नाउ दिस इफ आई कंसिडर दिस 5m एज a एंड 3 एज b, और ये आपका स्क्वायर में है तो a स्क्वायर, और ये भी आपका स्क्वायर में बी स्क्वायर, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फॉर्मूला है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मूला इज ए प्लस बी एंड ए माइनस बी। तो हमने फाइव एम को क्या एज्यूम किया है, ये स्क्वायर स्क्वायर अगर कैंसिल हो गया तो फाइव एम विल बी ए, स्क्वायर स्क्वायर अगर कैंसिल हो गया तो थ्री विल बी डी, तो ए के यहाँ पे
फाइव डालना है, डी क्या पे थ्री डालना है, ओके। सो यहाँ पर आंसर ए क्या पे क्या डालना है, फाइव प्लस डी क्या पे क्या डालना है, थ्री। सो आवर आंसर इज फाइव प्लस थ्री एंड फाइव माइनस थ्री, बिकॉज हियर व्हाट इज ए, ए इज फाइव, व्हाट इज बी, थ्री, ओके। सो इन दिस वे सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन नाउ इक्वल टू जीरो, जीरो ले लेंगे, फिर आपको पता है कि फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू जीरो एंड देन सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू जीरो। नाउ फाइव प्लस थ्री इक्वल टू जीरो और फाइव माइनस थ्री इक्वल टू जीरो, तो आप देख रहे हैं कि नेक्स्ट स्टेप में फाइव प्लस थ्री जो है उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, माइनस थ्री, एंड देन एम इज इक्वल टू माइनस थ्री, ये मल्टीप्लाई बाय फाइव उधर जाके क्या हो जाएगा, राइट साइड में मल्टीप्लाई बाय फाइव, राइट साइड में डिवाइड बाय फाइव हो गया। नाउ नेक्स्ट सॉल्विंग दिस, योर ए सेम है, सिर्फ यहाँ पर प्लस है यहाँ पर माइनस है, तो फाइव एम इज इक्वल टू माइनस थ्री, दैट साइड विल बी प्लस थ्री, एंड फाइव एम मीन्स मल्टीप्लाई बाय फाइव, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट साइड में डिवाइड बाय फाइव। सो वॉट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस, सोल्यूशन ऑफ रूट ऑफ दिस माइनस थ्री अपॉन फाइव एंड थ्री अपॉन फाइव, तो माइनस आंसर माइनस थ्री अपॉन फाइव कॉमा थ्री अपॉन फाइव आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ओके। तो इसी तरह से आपको सम नंबर 12 करना है, तो मैं डायरेक्टली सम नंबर 10 के बाद में सम नंबर 12 कर रहा हूँ, बिकॉज बोथ आर ऑफ सेम टाइप, तो सम नंबर 12 एंड देन आई विल डू सम नंबर 11, ओके। तो व्हाट इज सम नंबर 12, एम स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू जीरो, तो एम स्क्वायर माइनस 11 इज इक्वल टू जीरो। नाउ दिस एंड दिस इज ऑफ सेम काइंड, यहाँ पर हमने 9 को पहले यहाँ पर लेफ्ट में ले लिया, फिर इसको फुल द होल स्क्वायर में किया, तो यहाँ पर ऑलरेडी वहाँ पर कुछ नहीं है तो एज इट इज रहने दो, ये स्क्वायर में है ऑलरेडी, जैसे यहाँ पर ये 25 स्क्वायर को मैंने 5 द होल स्क्वायर किया है, तो होल स्क्वायर है यहाँ पर, कैसे सिर्फ m का स्क्वायर था, लेकिन ये होल स्क्वायर है ऑलरेडी, m स्क्वायर है ऑलरेडी, पर इसका स्क्वायर नहीं है, तो इसको भी हम स्क्वायर करेंगे, तो आई कैन डू वन थिंग, m स्क्वायर दिस 11 कैन बी रिटन एज रूट 11 द होल स्क्वायर, रूट 11 द होल स्क्वायर, क्योंकि आप देख रहे हैं रूट 11 इंटू रूट 11, आप रूट 11 का दो बार आप मल्टीप्लाई करेंगे तो रूट इट विल बी रूट 121, और रूट 121 का आंसर इज 11, इट मीन्स दैट रूट 11 द होल स्क्वायर इज नथिंग बट 11, रूट 11 द होल स्क्वायर इज नथिंग बट 11, तो इज इक्वल टू जीरो। नाउ अगेन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, व्हाट इज ए, ए इज एम, व्हाट इज बी, बी इज रूट 11, तो व्हाट इज द फॉर्मूला, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी एंड ए माइनस बी, तो यहाँ पर ए आपका क्या है, एम स्क्वायर, बी क्या है आपका रूट 11 स्क्वायर, तो ए क्या पे क्या डालेंगे, एम, बी क्या पे क्या डालेंगे, रूट 11, तो ए क्या पे एम प्लस रूट 11 ब्रैकेट एम माइनस रूट 11, ओके। तो ये पार्ट आपको यहाँ पर लिखना है इंस्टेड ऑफ दिस, अभी इसके जगह पे नेक्स्ट स्टेप में क्या आएगा, एम प्लस रूट 11 ब्रैकेट एम माइनस रूट 11, इसके यहाँ पे मैंने ये लिख दिया इज इक्वल टू जीरो। नाउ एम प्लस रूट 11 इज इक्वल टू जीरो एंड एम माइनस रूट 11 इज इक्वल टू जीरो, एम प्लस रूट 11 इज इक्वल टू जीरो और एम माइनस रूट 11 इज इक्वल टू जीरो, एम इज इक्वल टू माइनस रूट 11 दैट साइड विल बिकम, सॉरी प्लस रूट 11 दैट साइड विल बिकम माइनस रूट 11 और माइनस रूट 11 उधर के क्या हो जाएगा, प्लस रूट 11। सो नाउ व्हाट इज द फाइनल सॉल्यूशन, व्हाट आर द रूट्स, रूट्स आर माइनस रूट 11, पॉजिटिव रूट 11, दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन, रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो आई होप सो यू आर गेटिंग इट। यहाँ पर आप डायरेक्टली ए स्टेप के बाद में आप डायरेक्टली ए स्टेप लिख सकते हैं और रीजन दे सकते हैं कि अप्लाइंग फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जोड़ ए ए प्लस बी ए माइनस बी डायरेक्टली, तो इतना आप पार्ट स्किप कर सकते हैं एज पर योर विश, पर मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है, नॉट नेसेसरी कि आपको ये स्टेप लिखना ही है। सो नाउ आई एम गोइंग टू मूव टू सम नंबर 11, तो 10 के बाद में 12 किया था, अभी सम नंबर 11 आएगा।
तो क्योंकि वो थोड़ा अलग है, सम नंबर 10 एंड सम नंबर 12 इज सेम. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 11. तो व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 11? क्वेश्चन नंबर 11 इज 7m² इज इक्वल टू 21m. 7m² इज इक्वल टू 21m. तो इसमें आप देख रहे हैं कि m स्क्वायर है और इधर m है. अभी पहले वाले सम में आपने देखा कि वहाँ पर था 25m² इज इक्वल टू 9. तो हमने 9 को लेफ्ट साइड में ले लिया था. तो इसको यहाँ पर m स्क्वायर और m है, यहाँ पर m स्क्वायर और नंबर था, तो इसलिए ये दो अलग टाइप के सम्स हो गए. अभी यहाँ पर मैं 21m को लेफ्ट साइड में ले लूँगा, तो नेक्स्ट स्टेप विल बी 7m² माइनस 21m इज इक्वल टू 0. ओके, सो नाउ अभी आप देख रहे हैं कि इसमें मेरे को कॉमन निकालना है. इसमें भले इसमें लास्ट टर्म नहीं है, इसमें लास्ट टर्म नहीं. तो सपोज अगर मैंने कहा कि आपको व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तो यहाँ पर आपका 7m² माइनस 21m प्लस 0 इज इक्वल टू 0, क्योंकि आपका नंबर प्योर नंबर सी वाला टर्म इसमें है ही नहीं. तो आई कैन राइट इट दिस इक्वेशन इन दिस फॉर्म. सपोज दे आस्क व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी एंड सी, तो देन आई कैन से दैट ए वैल्यू इज 7 एंड बी वैल्यू इज माइनस 21 एंड सी का वैल्यू है 0. ओके, पर ये मैंने आपको थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया, पर ये ऐसे क्वेश्चन जो है आपको अगले इसमें पूछेंगे, यहाँ पर नहीं पूछने वाले, थोड़ा सा मैंने रिवीजन पार्ट करवा दिया. पर अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? सॉल्व इसको करना है, ए बी सी तो पूछा नहीं, सॉल्व इसको करते समय आई एम गोइंग टू टेक द कॉमन फ्रॉम दिस. तो मैंने आपको बताया था 7m × m लिखो, माइनस 7 है तो यहाँ पर भी 7 लाने की कोशिश हो, यस 7 × 3 = 21 और × m इज इक्वल टू 0. नाउ मार्क द कॉमन 7m, तो 7m इसमें से बाहर गया, इसमें से भी 7m बाहर गया, तो 7m आउट. तो व्हाट इज रिमेनिंग? दिस m माइनस दिस 3 इज इक्वल टू 0. सो नाउ यहाँ पर आप देख रहे कि 7m को एक बार इक्वल टू 0 लेंगे और m माइनस 3 इक्वल टू 0 लेंगे. तो 7m इज इक्वल टू 0 और m माइनस 3 इक्वल्स टू 0. सो नाउ हियर m मल्टीप्लाई बाय 7 है, तो वहां पर जाके क्या हो जाएगा? डिवाइड बाय 7. और m यहाँ पर क्या आएगा नेक्स्ट स्टेप? m इज इक्वल टू 0. यहाँ पर m माइनस 3 इज इक्वल टू 0, माइनस 3 दैट साइड विल बिकम प्लस 3, तो यहाँ पर क्या आएगा? m इज इक्वल टू 3. तो व्हाट आर द रूट्स? रूट्स आर 0, 3. दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन. ओके, तो आपको समझ में आया ये सम कैसे करना है. ओके, इसको आप थोड़ा सा अलग वे से भी कर सकते थे, जैसे मैं आपको सेकंड मेथड आप देखेंगे. तो क्वेश्चन वॉज 7m² इज इक्वल टू 21m, देन डिवाइड बाय 7. क्या करेंगे? डिवाइड बाय 7 करेंगे. तो यहाँ पर क्या करूँ मैं? डिवाइड बाय 7. तो डिवाइड बाय 7 विद ईच टर्म. तो नेक्स्ट स्टेप विल बी 7m² इज इक्वल टू 21m डिवाइड बाय 7, डिवाइड बाय 7, 7 7 गेट्स कैंसल, 7 × 1 = 7, 7 × 3 = 21. m² इज इक्वल टू 3m आ गया, m² इज इक्वल टू 3m. तो अभी इसको आप यहाँ पर लेंगे, m² माइनस 3m इज इक्वल टू 0, दोनों में से सिर्फ m कॉमन निकलेगा, m ब्रैकेट m माइनस 3 इज इक्वल टू 0. नाउ यू कैन सी m इज इक्वल टू 0 डायरेक्टली और m माइनस 3 इज इक्वल टू 0. सो ये सेम होगा, m इज इक्वल टू 0 और माइनस 3 दैट साइड विल बिकम प्लस 3. तो इसका रूट्स क्या है? 0 एंड प्लस 3. तो देर आर ऑल्टरनेटिव मैथड्स ऑलवेज इन एलजेब्रा, सो यू कैन डू इट बाय दिस वे और दिस वे, नो प्रॉब्लम. ओके, नाउ आई एम गोइंग टू
solve question number 7. That is complete the following activity. So now question number 7, complete the activity. Activity I have already written on the whiteboard. So now this is also a quadratic equation which has to be solved by considering these splitting signs, but already most of the steps are given. बहुत सारे steps already दे चुके हैं, आपको उसके बारे में ज़्यादा सोचना नहीं है. पर यहाँ पर आप देखेंगे हर सम की तरह मैंने जैसे कहा था a into c, आपका a है root 2 और आपका c है 5√2, दोनों को आपको मल्टीप्लाई करना है. तो root 2 into 5√2, तो what is root 2 into 5√2? That is root 2 into root 2 is 2. अगर आपको पता नहीं है root 2 into root 2 is 2, जैसे कि root 2 into root 2 is 2, we can take root 11 into root 11 is 11 directly ले सकते हैं. मैंने आपको अभी बताया था कैसे, how 11, root 11 into root 11 is equal to root 121 और 121 का आंसर है. तो root 11 into root 11 is 11, directly root 11 into root 11 is 1, root 2 into root 2 is 2, तो यहाँ पर root 2 into root 2 is 2 और ये आपका 5 जो है ये 5, तो यहाँ पर कुछ नहीं 1, तो 5 1 जा 5, तो 5 2 जा 10, तो 10 के आपको फैक्टर्स निकाल लें. ओके, तो यहाँ पर आपको देख रहे हैं कि ये रूट में है, रूट में है तो आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने कहा था दैट क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 आई एम गोइंग टू सॉल्व इट लेटर ऑन. तो यहाँ पर अभी फोकस करेंगे पूरा. तो यहाँ पर रूट 2 इंटू 5√2, रूट 2 इंटू रूट 2 इज 2, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, 10 का फैक्टर निकालेंगे. और साइन ऑलरेडी यहाँ पर दिया उन्होंने प्लस प्लस, पर फिर भी हमारे हिसाब से जाएंगे. मिडिल साइन गोज टू द बिग नंबर, मिडिल साइन गोज टू द बिग नंबर एंड प्लस प्लस इज ऑलरेडी प्लस. ओके, तो यहाँ पर 10 के फैक्टर होंगे, 5 2 जा 10 और एक इम्पॉर्टेंट 10 1 जा 10. ओके, नाउ वी आर गोइंग टू से 5 प्लस 2 इज 7. ओके, एंड 10 प्लस 1 इज 11. तो यहाँ पर देख रहे हैं मिडिल नंबर कौन सा है, 7 है. मिडिल नंबर कौन सा है, 7 है. तो दिस पेयर इज सुटेबल. ये रॉन्ग ऐसा नहीं है, लेकिन ये सुटेबल नहीं है, ये सुटेबल है. तो यहाँ पर हम लोग 5x और 2x यहाँ पर लिखेंगे. तो मैंने आपको बताया था इसको हम निकाल देंगे और नेक्स्ट स्टेप में इसको ऐड करेंगे 5x और 2x. तो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 5x और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ प्लस 2x. ओके, सो नाउ अब जो स्टेप है मैंने आपको बताया था कि स्टार्टिंग के दो और लास्ट के दो का आपका ग्रुप बनाना है, उसमें से कॉमन निकालना. तो यहाँ पर आप देख रहे हैं हमेशा मैंने आपको कहा था x कॉमन आएगा. ओके, तो x कॉमन आ गया इसमें से. तो अंदर बचा क्या, अभी रूट टू बच गया. ओके, एक x अंदर बचेगा. ऑलरेडी मैंने बताया था कि x एक ब्रैकेट के बाहर और एक ब्रैकेट के अंदर x बचेगा, प्लस x ऑलरेडी बाहर गया, अब ये 5 बच गया. ओके, सो व्हाट वी गॉट इट एज रूट टू एक्स प्लस 5. तो अभी यहाँ पर हम देखेंगे कि उन्होंने रूट टू कॉमन निकाला. अभी यहाँ पर रूट टू एक ही बार है, यहाँ पर तो रूट टू है ही नहीं, तो कॉमन कैसे निकलेगा? तो स्टूडेंट्स यही एक इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो आपको ध्यान देना. तो मैं यहाँ पर एक बीच का स्टेप लिखूँगा, या फिर मैं इसको मैं यहाँ पर लिखूँगा, एक थोड़ा रफ में लिखूँगा कि 2x प्लस 5√2 को मैं क्या करने वाला हूँ. ये 2 जो है, देख रहे हैं आप यहाँ पर देख रहे हैं, 2 को मैं रूट टू इंटू रूट टू लिख सकता हूँ. तो 2 को मैं रूट टू इंटू रूट टू और ये आपका x और ये 5√2. अब इसमें से हम कॉमन निकालेंगे, तो ये रूट टू कॉमन निकला. अभी अंदर क्या बचा, रूट टू एक्स प्लस 5. तो ये स्टेप जो है स्टूडेंट्स आप यहाँ पर बीच में लिख सकते हैं, दो तीन स्टेप्स आप इधर लिख सकते हैं, फिर डायरेक्टली ये स्टेप आ जाएगा. आपको सिर्फ अंडरलाइन करना है जो उन्होंने पूछा है, जो ब्लैंक स्पेसेस उन्होंने छोड़ा है उसके लिए मार्क्स है. जैसे इसके मार्क्स है हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ मार्क, हाफ हाफ और हाफ हाफ. ओके, और मैंने आपको बहुत पहले बताया था कि बोर्ड में मैक्सिमम 4 बॉक्सेस पूछेंगे या फिर मैक्सिमम 6 बॉक्सेस पूछेंगे. यहाँ पर थोड़ा टेक्स्ट बुक में ज़्यादा ही कुछ पूछा गया, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ऐसे 8 बॉक्सेस तो टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन पेपर में नहीं पूछेंगे,
बॉक्सेस अगर होंगे एक्टिविटी टाइप अगर पूछेंगे तो मैक्स टू मैक्स में 4 बॉक्सेस होंगे या फिर 6 बॉक्सेस होंगे, ताकि हाफ मार्क एज 4 बॉक्सेस होंगे तो 2 मार्क का है, 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा, 6 बॉक्सेस है तो 3 मार्क का क्वेश्चन आएगा। तो ऑलरेडी आप ये टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन से तो सॉल्व करना ही है। तो आपने यहाँ पर देखा कि डायरेक्टली ये स्टेप से हम लोग को ये स्टेप नहीं मिल रहा है, क्योंकि यहाँ पर रूट टू कॉमन आया है, तो रूट टू कॉमन आया है तो मेरे को नहीं समझ में आ रहा है कि रूट टू कैसे कॉमन निकालना है। पर 2 के जगह पे आई हैव रिटन रूट टू इंटू रूट टू, 2 के पे रूट टू इंटू रूट टू और एक्स प्लस 5 रूट टू एज इट इज़। इसमें से आप देख रहे रूट टू कॉमन आ गया, रूट टू अंडरलाइन किया कॉमन आ गया, अंदर बचा रूट टू एक्स प्लस 5। तो रूट टू ऑलरेडी लिखा हुआ था, रूट टू एक्स प्लस 5 आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं, रूट टू एक्स प्लस 5। और एक लॉजिक अगर आप स्टूडेंट्स लगाएंगे, मैंने आपको बार बार कहा है कि ब्रैकेट के अंदर के दोनों जो भी नंबर्स होते हैं सब एग्जैक्टली सेम टर्म्स होते हैं। जैसे कि यहाँ पर रूट टू एक्स प्लस 5 मैंने यहाँ पर कॉमन निकाल के लाया, तो यहाँ पर भी वही आएगा। इट्स अ लॉजिक, ओके, इट्स अ लॉजिक कि ये यहाँ पर जो आएगा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर प्लस है तो यहाँ पर भी प्लस आएगा, ओके, डोंट गेट कन्फ्यूज। तो अभी आप देख रहे हैं कि ये दोनों भी सेम है, दोनों भी कॉमन आ गया, और ये जो अनकॉमन है एक्स प्लस रूट टू सेकेंड ब्रैकेट में गया, इसका मतलब रूट टू एक्स प्लस 5 आपका पहले आएगा, रूट टू एक्स प्लस 5, ओके। तो यहाँ पर दो ब्रैकेट ऑलरेडी इक्वल टू जीरो, तो उसमें से फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू जीरो एंड सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू जीरो। तो आपने ध्यान दिया सेकंड ब्रैकेट इक्वल टू जीरो यहाँ पर लिखा है, तो मतलब यहाँ पर फर्स्ट ब्रैकेट इक्वल टू जीरो। सो नाउ यहाँ पर डायरेक्टली एक्स का वैल्यू उन्होंने पूछा है, तो इसको भी थोड़ा सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सॉल्व कर लेता हूँ, टू एक्स प्लस 5 इज इक्वल टू जीरो, तो प्लस 5 उधर आके माइनस 5 हो जाएगा, ओके। देन एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट टू, देन एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 5 अपॉन रूट टू। तो स्टूडेंट्स एक चीज़ आपको याद रखनी है, आपको आप चाहे तो बीच में ये स्टेप्स डाल सकते हैं, ऐसे आपको सॉल्व करना, अभी डायरेक्टली ये स्टेप्स डायरेक्ट ये पूछा हुआ है, तो आपको अगर नहीं आ रहा है तो यू कैन सॉल्व दिस स्टेप, बट वो स्टेप में आपको कुछ बॉक्स अंडरलाइन वंडरलाइन नहीं करना है, जो उनका ओरिजिनल अंडरलाइन है और बॉक्स है वही आपको दोहराना है, और बीच में आप स्टेप्स डाल सकते हैं, ओके। तो बिल्कुल आपका गलत नहीं होगा, आप सॉल्व भी कर रहे हैं और बॉक्स के हिसाब से आपको आंसर लाना है। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको ध्यान देना है कि बॉक्स के हिसाब से मैं सॉल्व कर रहा हूँ या नहीं, अपना आप अपने मर्जी से सॉल्व करेंगे। तो मैंने आपको थोड़ी देर पहले कहा था कि ऑल्टरनेटिव मेथड हो सकते हैं अलजेब्रा में, लेकिन वह जो उन्होंने जो बॉक्स पूछा है वो बॉक्स अगर उसमें आप प्रॉपर आंसर फीड नहीं करोगे तो आपके मार्क्स चले जाएंगे, भले आपने वहाँ पर करेक्ट सॉल्व किया हुआ है तो मार्क्स थोड़े कट हो जाएंगे, क्योंकि बॉक्स के हिसाब से उनको मार्क्स अलॉट करना है। तो यहाँ पर एक स्टेप मैंने बढ़ा दिया, रूट टू एक्स प्लस 5 उधर के माइनस 5 हो गया और ये डिवाइड बाय रूट टू हो गया। यहाँ पर तो ऑलरेडी ये माइनस प्लस रूट टू वहाँ पर जाके माइनस रूट टू हो गया। तो नाउ यू सी दैट अगेन ये बॉक्स पूछा उन्होंने, अगेन ये बॉक्स नहीं भी देते तो भी हम ये लिखते ही थे। तो अभी यहाँ पर ये बॉक्स दिया, तो काश अभी उन्होंने लोग ये इसको बॉक्स देते, तो यहाँ पर बॉक्स देते तो हम लोग माइनस रूट टू लिखते, लेकिन उनकी मर्जी है। तो हियर इट विल बी 5 अपॉन रूट टू। सो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, और ये मल्टीप्लीकेशन रूट टू इंटू 5 रूट टू का मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में रूट टू इंटू रूट टू बिकम्स टू, और ये 5 वन जा 5, बाहर का नंबर बाहर से नंबर मल्टीप्लाई किया, 5 टू जा 10, 10 के फैक्टर्स निकाले, और ये 7 अप्रोप्रिएट था, मिडिल टर्म जो था 7 था, तो 7x को निकाल के मैंने 5x एंड 2x ले लिया और मैंने इसको सॉल्व कर दिया। ओके स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आपको समझ में आ गया। नाउ आई एम गोइंग टू सॉल्व द लास्ट सम ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड वी आर गोइंग टू कम्प्लीट प्रैक्टिस सेट 2.2। सो वॉट इज द लास्ट सम, थ्री एक्स स्क्वायर टू रूट सिक्स एक्स प्लस टू इक्वल्स टू जीरो। सो दिस इज द क्वेश्चन। तो यहां पर बीच में रूट सिक्स है, कोई प्रॉब्लम नहीं, हम लोग नॉर्मली कैसे सॉल्व करते हैं, थ्री टू जा सिक्स, थ्री टू जा सिक्स, तो यहां पर अभी सिक्स के फैक्टर्स निकालने, पर 6 के फैक्टर्स तो निकालना है, 6 के फैक्टर्स क्या आएंगे स्टूडेंट्स, जैसे कि 3 टू जा 6 वन जा ऐसे, पर आप देख रहे हैं यहाँ पर बीच में जो है रूट 6 आ रहा है, तो ये रूट 6 होना बहुत ज़रूरी है।
तो इस टाइप के हम लोग फैक्टर्स नहीं ले लेंगे, रूट सिक्स में दोनों जगह पे ले लूँगा, रूट सिक्स और ये आपका रूट सिक्स। ओके, रूट सिक्स, रूट मतलब रूट सिक्स आ गया, मिडिल टर्म में रूट सिक्स होना चाहिए, तो रूट सिक्स आ गया। अभी यहाँ पर सिक्स का अगर मैं फैक्टर ले लूँ तो थ्री टू ज़ा सिक्स, ओके, थ्री टू ज़ा सिक्स। अभी आप देख रहे हैं रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स इज़ वॉट सिक्स, रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स इज़ वॉट सिक्स। तो आप देख रहे हैं सिक्स तो आ गया मुझे, ओके, तो अभी मुझे रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स इज सिक्स, सिक्स ऑलरेडी आ गया है, तो सिर्फ मेरे को अभी ये मिडिल टर्म मेरे को लाना है। तो अगर मैं इसको वन और वन लिख दूँ तो और मैं आपको साइन के बारे में बताना थोड़ा भूल गया, ये मिडिल साइन आपका बिग नंबर को, ओके, और माइनस प्लस माइनस आपके स्मॉल टर्म को, ओके, बिगेस्ट नंबर को माइनस, मिडिल साइन गोज टू बिगेस्ट नंबर, देन माइनस प्लस माइनस जो है वो स्मॉल नंबर को गया, तो ये सारे सेम ही आएंगे क्योंकि सेम ही सम है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये दोनों अप्रोप्रिएट नहीं है क्योंकि इसमें रूट नहीं आ रहा है, मिडिल टर्म में रूट चाहिए। यहाँ पर आप देखेंगे माइनस माइनस प्लस करेंगे, वन प्लस वन इज टू और एक कॉमन रूट सिक्स। तो आप देख रहे हैं यह जो है एंड पुट द बिगर नंबर, यहाँ पर बिग नंबर कोई भी नहीं है तो कॉमन साइन हम लोग डालते हैं माइनस। तो आप देख रहे हैं कि माइनस टू रूट सिक्स यहाँ पर आ गया है मिडिल टर्म। तो आपको बहुत आपको अच्छी तरह से मैंने समझाया, ऐसे मैं उम्मीद करता हूँ। सिक्स के फैक्टर्स मैंने रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स लिए क्योंकि यहाँ पर रूट सिक्स है, तो मैंने यहाँ पर रूट सिक्स इंटू रूट सिक्स मेरे को लिखना ज़रूरी है। पहले आप यही लिखिए, फिर इसके बाद में यहाँ पर आप डाल सकते हैं नंबर्स वन वन या थ्री टू या सिक्स वन, ओके, तो यह बहुत ज़रूरी है। सो नाउ आई एम गोइंग टू राइट माइनस वन रूट सिक्स माइनस वन रूट सिक्स। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं थ्री एक्स स्क्वायर, इसको हम निकाल के क्या डालने वाले हैं, माइनस वन रूट सिक्स एक्स माइनस वन रूट सिक्स एक्स प्लस टू इक्वल टू ज़ीरो। नाउ नेक्स्ट स्टेप, नेक्स्ट स्टेप में आप क्या देख रहे हैं, नेक्स्ट स्टेप में आप यह देख रहे हैं कि इसमें से दोनों में से आप देख रहे हैं कि एक्स कॉमन है। वॉट इज कॉमन, एक्स इज कॉमन। तो यहाँ पर और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जो है रूट सिक्स है और यहाँ पर टू है। थोड़ा सा इसको हम थोड़ा सा आइडिया लगाएंगे, थोड़ा सॉल्व करके चेक करेंगे। यहाँ पर जो है आई कैन राइट दिस रूट टू द होल स्क्वायर, तो यहाँ पर मैं रूट टू द होल स्क्वायर लिखूँ। आप देख रहे हैं कि रूट टू मीन्स रूट टू इंटू रूट टू एंड रूट टू इंटू रूट टू मीन्स रूट टू द होल स्क्वायर, ओके। और यहाँ पर जो आई कैन राइट इट एज रूट थ्री इंटू रूट टू एक्स, रूट थ्री इंटू रूट थ्री एक्स। तो अभी ये जो टर्म है इसको रूट थ्री इंटू रूट टू एक्स कर दिया मैंने, और इसको टू का मैंने रूट टू द होल स्क्वायर कर दिया अभी, या फिर मैंने आपको कहा था कि रूट टू इंटू रूट टू लिख देते हैं, रूट टू इंटू रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसमें आप देख रहे हैं कि रूट टू एक्स रूट टू जो है दोनों में क्या आया, रूट टू दोनों में कॉमन आ गया। तो यहाँ पर जो है रूट टू दोनों में कॉमन आएगा, ब्रैकेट रूट थ्री, रूट थ्री और एक्स बच गया। और यहाँ पर जो है माइनस साइन है, माइनस साइन अगर दो इसमें से भी माइनस साइन निकलेगा तो माइनस बचेगा क्योंकि माइनस माइनस बिकम्स प्लस। तो रूट टू ऑलरेडी बाहर गया है कॉमन, तो रूट थ्री एक्स अंदर बच गया और ये रूट टू अंदर बच गया इज इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अगर यहाँ पर तो सिर्फ एक्स कॉमन आना था, यहाँ पर सिर्फ एक्स कॉमन आना था, तो एक्स अगर मैं कॉमन ले लेता तो अंदर आपका बचता थ्री एक्स माइनस रूट सिक्स। तो आप देख रहे हैं यह जो टर्म है और यह टर्म टोटली डिफरेंट है, ओके, तो इसलिए मैंने इसको सॉल्व नहीं किया। अगर आप इसको सॉल्व भी करते हो तो यहाँ का टर्म और यहाँ का टर्म सेम नहीं है, तो इसलिए आपको यह टर्म चेंज करना पड़ेगा। तो इसको भी आप कैसे लिखेंगे, थ्री जो है, थ्री जो है इसको क्या करेंगे, रूट थ्री द होल स्क्वायर करेंगे। मैंने आपको बताया रूट थ्री, रूट टू इंटू रूट टू टू, रूट थ्री इंटू रूट थ्री थ्री। तो यहाँ पर थ्री के यहाँ पे मैं क्या लिखूँ, रूट थ्री इंटू रूट थ्री और एक्स और आपका और एक एक्स, और यहाँ पर मैं क्या लिखूँ, रूट टू इंटू रूट थ्री और ये आपका एक्स, ओके। सो आप देख रहे हैं अभी दोनों में रूट थ्री कॉमन है और एक्स एक्स कॉमन है, ओके, तो रूट थ्री एक्स कॉमन आ गया।
ओके रूट थ्री एक्स, रूट थ्री और एक्स कॉमन है, बचा क्या रूट थ्री एक्स अंदर, रूट थ्री एक्स माइनस, और यहां पर क्या बचा है रूट टू। तो आप देख रहे हैं कि ये दो टर्म वापस से अभी क्या आया, सेम आया। अगर मैं इसको डायरेक्टली लिख देता तो मेरे को आइडिया नहीं मिलता कि यहाँ पर कुछ और आने वाला है, तो इसलिए यह सम बहुत ही थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा डिफरेंट है। इसलिए मैंने आपको कहा था कि क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 एट द लास्ट ऑफ दिस लेक्चर में पढ़ा रहा हूँ। तो आप देख रहे हैं कि ये सम थोड़ा सा ट्रिकी है, बट मैंने आपको अच्छी तरह से ट्रिक्स बताया है कि कैसे आपको ध्यान देना है सॉल्व करना। ओके नाउ आपका बेसिक स्टेप्स आ गए कि दोनों टर्म्स सेम है ब्रैकेट के तो बाहर, कॉमन तो रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू बाहर। ओके नाउ अभी जो बचा है अगेन रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू, ये आपके जो बचे हुए टर्म है रूट थ्री एक्स और माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। आप देख रहे हैं दोनों भी सेम है, नो प्रॉब्लम, बस हमने सम सही किया है ये इंपॉर्टेंट है। तो रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो और रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो, तो दिस रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो और अगेन रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू इज इक्वल टू जीरो। तो इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, रूट थ्री एक्स माइनस रूट टू दैट साइड विल बी पॉजिटिव रूट टू, माइनस रूट टू उधर आके पॉजिटिव हो गया और ये मल्टीप्लाई बाय रूट थ्री उधर आके डिवाइड बाय रूट थ्री हो जाएगा, तो रूट टू अपॉन रूट थ्री। तो यही सेम है क्योंकि ये दोनों एग्जैक्टली सेम है, कॉपी ये सेम, तो इसको मैं सेम कॉपी कर लूँगा फटाफट विदाउट एक्सप्लेनेशन। तो अगेन आई हैव टोल्ड यू इन द अर्लियर लेक्चर दैट कि ये दोनों भी एग्जैक्टली सेम है, दैट मीन्स द रूट्स आर इक्वल, इट मीन्स द रूट्स आर इक्वल। तो रूट टू अपॉन रूट थ्री आर और एंड या कॉमा डाल देते हैं, कॉमा रूट थ्री अपॉन रूट थ्री, रूट टू अपॉन रूट थ्री आर द रूट्स ऑफ द गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो आप देख रहे हैं कि कैसे थोड़ा सा ट्रिकी था और मैंने इसको थोड़ा सा पहले ये पार्ट इसमें सॉल्व किया, रूट सिक्स को मैंने रूट थ्री इंटू रूट टू लिया क्योंकि रूट रूट सेम तो थ्री टू जा सिक्स आता है, और ये रूट टू को मैंने रूट टू इंटू रूट टू कर दिया तो दोनों में से कुछ तो कॉमन निकलेगा। यहाँ पर भी अगर रूट थ्री को रूट थ्री इंटू रूट थ्री कर देंगे और इसको रूट टू इंटू रूट थ्री कर देंगे, इसमें से भी कॉमन निकलेगा और जो अंदर के जो टर्म्स है एग्जैक्टली सेम आएंगे, और मैंने आपको एक कंडीशन दिया था कि एग्जैक्टली सेम आने ही चाहिए। सो आई होप सो ये एक्सरसाइज प्रैक्टिस सेट 2.2 आपको समझ में आया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब माई चैनल यूनिक एडुकेयर प्रकाश पोर एंड सी यू टिल द नेक्स्ट लेक्चर। ओके थैंक यू, बाय।